बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज, आज की वीडियो देखने वाले हैं जो भी छात्र बीएससी सेकंड सेमेस्टर में है, और आपका भाई बहन बीए बीएससी बीकॉम एमएमएससी एमकॉम एलएलबी ठीक है बीएड एलएल या बीटीसी बीएड या फिर आप कह सकते हैं नेकपाल यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी वेबसाइट पेपर हैकर डॉट इन पर जाकर नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बुकों को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत आसानी तरीके से प्रैक्टिस सेट वगैरह सब कुछ मिलेगा, नोट्स मिलेंगे जो आपको बीए बीएससी बीकॉम के लिए काफ़ी, हाई स्कूल इंटर में आपका भाई बहन है तो भी आप वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, बुकों को डाउनलोड कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और हमारे अनदर भी चैनल हैं जैसे कि बीए बाई पेपर हैकर, बीएससी बाई पेपर, उन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है जब तक मैं हूँ, जब तक मैं हूँ ना आपको कोई फेल नहीं कर सकता, सच बता रहा हूँ। लेकिन एक रास्ता जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस रास्ता पे यदि आप सही चलते हैं तो आप ये भरोसा, देखो भरोसा बहुत बड़ी चीज होती है और आपको भरोसा करना पड़ेगा, जब तक आप भरोसा नहीं करोगे ना, बिना भरोसे के कुछ नहीं होता, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। यदि मैं कुछ आपको एक रास्ता बताता हूँ तो आपको उस भरोसे में उस रास्ता पे चलना पड़ेगा, तभी एक सक्सेस एक रास्ता वहां मिल पाएगी। और मानता हूँ कि मैंने कुछ बताया और एक किसी और बंदे ने आपको बता दिया और आप उस रास्ता को मतलब कि भटक गए, आपको भटकना नहीं है क्योंकि कुछ नया करना है आपको, इतिहास रचना है यार। आप बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर, लेकिन पेपर हैकर सबसे अलग है, ये आपको सबको बताऊंगा। मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूँ विश्वास करिए, इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। बस आपके पास जो भी दिन है, एक दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, जो भी है, 11 तारीख सबके पेपर है, तो आपको बस उतना ही पढ़ना है जो अभी हाल ही में मैं आपको बता रहा हूँ। एमजेपी आर यू रोहलखंड यूनिवर्सिटी वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, MJPRU रोहलखंड यूनिवर्सिटी बरेली वाले जितने स्टूडेंट, मैं आपसे गारंटी, जो मैंने कहा है ना 85% प्लस, आप केवल 15 से 17 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो, और इस वीडियो में केवल 10 क्वेश्चन देने वाला हूं। ये 15 से 17 क्वेश्चन पहले मैं अपलोड कर चुका हूं 1 महीना पहले, आपको पता होगा। ये 10 क्वेश्चन देने वाला हूं, 70% प्लस, मतलब कि 7 क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आप 2022 के टॉपर हैं। आपको क्या कहते हैं फर्स्ट डिवीजन 70% से, यार 60% आ जाती है तो फर्स्ट डिवीजन बन जाती है, 85% तब बनती है जब आप टॉपर बनोगे। यार मैं ये कह रहा हूँ, प्रूफ दिखाऊंगा मैं आपको, प्रूफ पेपर को आते ही आप देख लेना कि जो मैंने कहा है वही पेपर में आए। एक एक क्वेश्चन आएगा, एक एक क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, समझ लो 2022 का, ये 2022 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। समझ रहे हैं ना आप, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना ठीक है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ लिखा है बीएससी सेकंड सेमेस्टर केमिस्ट्री थर्ड पेपर, बीएससी सेकंड सेमेस्टर सॉरी सेकंड ईयर और केमिस्ट्री थर्ड पेपर, जैसे हम फिजिकल केमिस्ट्री बोलते हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं, सब कुछ आपको पीडीएफ के थ्रू मिलेगा, वो भी हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जिसका नाम है पेपर हैकर। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, सर्च कर सकते हैं पेपर हैकर डॉट इन, आप इस तरीके से सर्च करिएगा www.paperhacker.in, पक्का 100% आप सक्सेस होने वाले हैं 2022 में। पहला क्वेश्चन पर टिक लगा लो, आपके पास बुक नोट्स कैसे पर है, नहीं है तो हमारे नोट्स को डाउनलोड कर लो, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब यहाँ देखो क्या दे रखा है, यहाँ दे रखे हैं हेंस का नियम, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है हेंस का नियम ठीक है, ये है कॉर्नेट चक्र, मोस्ट इंपोर्टेंट है, C C P - C V = R, सिद्ध करो, सिद्ध कर लो भाई, सिद्ध कर लो, ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% बनता है, कोई फेल करने वाला नहीं है आपको। ये है जूल थॉमस गुणांक ठीक है, नवर्ट्स की वितरण नियम पढ़ लो, ये टिक लगा लो अपने बुक में, कोलराउस का नियम पढ़ लो, 100% गैस पेपर में आ रहा है आपका, पेपर बनेगा, तुल्यकीय चालकता विशेष चालकता में अंतर पढ़ लो, वो भी हार्ट विधि से आपसे पूछता है, हिटार्फ विधि ठीक है, हिटार्फ विधि से ट्रांसपोर्ट नंबर आपसे पूछता है, देख लेना ट्रांसपोर्ट नंबर ज्ञात करने की विधि 100% आपसे पूछेगा, 100% कह सकता हूं, 100% ये पेपर में क्वेश्चन बनता है, 100% ये ठीक है। अभिगमनांक ज्ञात करने की विधि हिटार्फ विधि से, वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेनरी का नियम, 100% उसकी सीमाएं पढ़ लेना, विद्युत अवघटनीय सेल पढ़ लेना, प्रवस्था नियम उनके सीसा रंजक के द्वारा कैसे होता है पढ़ लेना, ये क्वेश्चन फंसेगा ठीक है। गैल्विन सेल को पढ़ लेना, मानक इलेक्ट्रोड्स को पढ़ लेना, ये छोटे छोटे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में फंसते हैं, ये 100% यहां से फंसेगा।
देखो उसमें कहती है कि क्या, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, तीनों नियमों को पढ़ लेना, 100% फंसेगा, 100% पेपर। ये वीडियो में एक साइड में चलाऊंगा आपको और एक साइड में पेपर को दिखाऊंगा, तो पेपर बनेगा, देख लेना। ये है नवर्ट्स के मित्र, छोड़ दीजिए, किरचॉफ की समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको पढ़ लो, बाकी सबको छुड़वा दिया, वही बता रहा हूँ जो पेपर में छप रहा है। मुक्त ऊर्जा के कार्य पढ़ लेना, विशेष चालकता ऊपर बता रखा है। ये देखो सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी को पढ़ लेना, ऑडवर्ड्स का तनुता का नियम पढ़ लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो द्रव 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 संगत विभव पढ़ लेना, द्रव द्रव संगत विभव पढ़ लेना बेटा, ठीक है। गिब्स जो है हेल्स हॉब्स की समीकरण, इसको पढ़ लेना है। पीएच मान क्या होता है, इसको पड़क त्रिक बिंदु, ये पढ़ लेना है बेटा। ये बर्फ विलयन, मोस्ट इंपोर्टेंट, बर्फ विलयन पढ़ लो, रट लो बस इसको और कुछ मत पढ़ो। देखो ये है बॉर्न हैवर साइकिल को पढ़ लेना, संलक्षण नियम पढ़ लेना, संलक्षण नियम, ओके, और लास दलिए के सिद्धांत को पढ़ लेना है, प्रवस्था नियम ऊपर बता रखा हूं, ऊपर बता रखा है ये नियम पहले ही, तो उसको पढ़ लेना है। बस खत्म हो गया, बस इतना ही पढ़ना है। और ये है देखो, ये है वाल्ट ऑफ अभिक्रिया समतापीय समीकरण गतिमान, इसको छोड़ो, बस जो मैंने ऊपर बताया भाई पढ़ लो, कुछ मत पढ़ो, बस यही बहुत हो गया, बहुत हो गया यार। पेपर में 100% यही मिलेगा, कुछ और बाहर नहीं बनेगा। बताओ यदि कोई भी क्वेश्चन बाहर पूछ भी ले आपसे गलती से, तो बना बना के कराना, छोड़ के नहीं आना, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी हो जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक पेपर आपसे हार्ड बनाएगा, तीन पेपर होते हैं हर सब्जेक्ट के, एक पेपर हार्ड बनेगा, ये भी आप कान खोल के सुन लेना, कोई सा भी बन सकता है, ठीक है, समझ रहे ना, क्योंकि टॉप आपको करना है। और कोई भी हार्ड कितना भी पूछ ले, कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, जो नहीं बता रहा हूं वो भी पूछ ले, क्वेश्चन को बना बना के कराना, छोड़ के मत आना, बस ये ध्यान रख लो। जो दिल कर रहा है, जिस आधार पर आपने पढ़े हैं, कुछ याद है थोड़ा बहुत, उसको उसी आधार पर पढ़ा के पढ़ाना कराना, काम हो जाएगा। 10 नंबर का पेपर क्वेश्चन होगा तो वहां 4 नंबर जरूर मिलेंगे, इस बात को याद करके चलना कि आपको क्वेश्चन से मतलब नहीं है, आपको नंबर से मतलब है, आपको नंबर चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं, अच्छा लिखना, अच्छी राइटिंग में लिखना है, और टीचर को ये लगे। और कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी पेपर में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो आपसे तत्काल संपर्क कर लेना, उसके ऊपर मैं एक वीडियोस बना दूंगा जो आपके लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।